आपने अजंता की गुफाओं में बुद्ध की एक तरफ सोते हुए मुद्रा में मूर्ति देखी होगी। इसे सिंह मुद्रा कहते हैं क्योंकि सिंह भी एक बाजू में शांत होकर सोता है, वो भी बिना हिले। गौतम बुद्ध भी इसी अवस्था में सोते थे सारी रात। वह एक बाजू से दूसरी बाजू नहीं बदलते थे और न ही अपनी मुद्रा से एक इंच भी हिलते थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद इस बात से काफी परेशान था। वह हर रात देखता कि बुद्ध एक ही मुद्रा में सो रहे हैं हमेशा। एक रात आनंद अपनी जिज्ञासा को संभाल नहीं पाया और बुद्ध के पास गया जब वह सो रहे थे। उसने उन्हें सोते से जगाया और पूछा, क्षमा करें भगवान आपको नींद से जगाने के लिए, क्योंकि आप दिन भर पद यात्रा करते हैं और प्रवचन देते हैं, लेकिन मैं सुबह तक रुक नहीं पा रहा हूँ अपनी जिज्ञासा को लेकर। मैं पिछले 20 सालों से आपको देख रहा हूँ, कृपया बताएं आप कैसे एक ही मुद्रा में सारी रात सोते हैं? क्या आप सचमुच में सोते हैं या आप सिर्फ इस मुद्रा को बनाए रखते हैं? क्योंकि मैं तो एक मुद्रा में ज़्यादा समय तक सो नहीं पाता, अपनी मुद्राएं लगातार बदलता रहता हूँ। बुद्ध बोले, मैंने अपने शरीर के लिए सही मुद्रा खोज ली है और उसे बदलने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। मैं तो हमेशा जागा हुआ रहता हूँ, इस मुद्रा में तो मेरा शरीर सोता है। और तुम अभी भी अपने शरीर के लिए सही मुद्रा ढूंढ रहे हो? तुम सोते समय मुद्राएं इसलिए बदलते हो क्योंकि सोते समय भी तुम्हारे मन मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं। मैं इन सबसे आगे आ गया हूँ। मैं जब सोता हूँ तब मेरा मन मस्तिष्क साथ नहीं होता, मेरा शरीर एक शव के जैसे पड़ा रहता है। क्या तुमने कभी किसी शव को हिलते हुए देखा है? इसीलिए जब हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है तब हमारा शरीर गहरी निद्रा में चला जाता है, परंतु हमारी अंदर की चेतना संवेदना जागते रहती है। वह हमारे शरीर को देख सकती है, हमारे बुद्धि और आसपास के शांत वातावरण को भी देख सकती है। अतः जब साधारण मानव सोता है तब वह मूर्छित अवस्था में होता है, पर एक जागृत व्यक्ति निद्रा में भी जागा हुआ रहता है।